नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग रिव्यू में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ बॉय टोटल एक्टिव सिल्वर फॉर्मूला सोप का रिव्यू। इसमें मैं आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स दूंगी जो आपको शायद मालूम नहीं होंगे। तो ये पैक मैंने खरीदा है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में, एंड इसमें है 17% एक्स्ट्रा। यहाँ पे मेंशन है 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन। तो ये जो जर्म होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड पैकेजिंग की बात करें तो ये पैकेजिंग बिल्कुल प्लास्टिक की है, आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बहुत छोटू सा सोप है एंड 5 रुपीज़ में है, काफ़ी लिटिल अमाउंट में आपको ये मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मैंने खुद अपने पैसे से परचेज किया है। एंड इस पर लिखा हुआ है कि ये एक टॉयलेट सोप है क्योंकि इसका ग्रेड है 3, एंड इसका टोटल फैटी मटेरियल TFM वो है 60%। तो जितना ज़्यादा किसी भी सोप का TFM होता है उतना ही अच्छा गुड क्वालिटी का वो प्रोडक्ट होता है। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, मेड इन इंडिया यहाँ पे मेंशन है, पर जो यूनिलीवर ब्रांड है वो कहीं और की है, यानी कि विदेशी कंपनी है। एंड इसमें लिखा है मेड फ्रॉम 100% वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि इसमें वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये काफ़ी लिमिटेड स्टॉक वाला ऑफ़र है, यानी कि जो 5 रुपये में 17% हमें एक्स्ट्रा मिला है वो लिमिटेड ऑफ़र है, एंड सेलेक्टेड सिटीज़ में ही ये हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की, तो हमने आपको बता ही दिया। यहाँ लिखे हुए हैं इसके कुछ क्लेम्स कि ये हमारे बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करता है। एंड अगर बात करें लाइफ बॉय में वेरिएंट्स की, तो आपको 2 से 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। इंग्रेडिएंट मेंशन है सोडियम पैलमेट, सोडियम पाम कैरनलेट, वाटर, ग्लिसरीन, परफ्यूम, सोडियम EDTA, सिल्वर ऑक्साइड, बहुत ढेर सारे केमिकल्स हैं इसमें। किसी भी हर्बल एक्सट्रैक्ट का दूर दूर तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारे केमिकल्स हैं। प्रोडक्ट को ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हमें मिली हुई है 5 रुपीज़ में। एंड दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि आप इसको हाथ धुलने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। इसकी ग्रिपिंग सोप की बहुत ही अच्छी है, इस पर काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन बनाया गया है। अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, हल्की सी केमिकल वाली इसकी खुशबू है जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं। कुछ लोगों का पूछना था कि क्या ये फेस पे बाल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल भी आप इसको फेस पे इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये मॉइस्चराइजर के मामले में बिल्कुल भी ज़ीरो है, ये हमारे स्किन को किसी भी तरीके से मॉइस्चराइज नहीं करता। अगर आपको ये मेरा छोटू सा रिव्यू अच्छा लगा, छोटू सा सोप का, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।